देखिए फ्रेंड्स, आज हमने हमें ये खूबसूरत सा पायदान बनाना सीखेंगे। देखिए, हमने इसको बना रखा है, 1 2 3 4 5 6, 6 कली का बनना है। ये देखिए, एक में 2 कली बनती है, तो इस तरह से ये 6 कली से बना है। आपके पास थोड़ा थोड़ा पट्टी जो बच जाती है, उससे ये मल्टी कलर में आप बना सकते हो। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बीच में राउंड और बाहर ये हार्ट शेप में बना हुआ है। देखिए, तो ये हार्ट शेप में बनता है, तो इस तरह से ये 2 कली बन जाती है। इसमें भी हमने नीचे से दो दो करके फंदे छोड़े हैं, तो ये देखिए, ये 6 बना है, तो ये 12 कली बन गई। तो दो दो करके अगर छोड़ते हैं तो उसमें 12 कली ही बनती है। ये हमने 20 फंदे से बनाया हुआ है। इसमें जो भी आप कलर लेना चाहो आप ले सकते हो। दोनों ही कलर से आधे आधे फंदे डालने होते हैं। जैसे हमने ये 20 फंदे से बनाया है, आप इसी तरह से इसको 30 फंदे से, 40 फंदे से, जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। अगर जैसे 30 फंदे से बनाओगे तो 15 फंदा इस कलर से और 15 फंदा इस कलर से, दोनों कलर से 15 15 फंदे डालेंगे। जैसे हमने ये 20 फंदा लिया है, तो इसमें दोनों कलर से 10 10 फंदे डाले हैं। तो आज हम इस खूबसूरत से पायदान को बनाना सीखेंगे। इसको हमने पूरा बना करके तैयार कर लिया है, लास्ट में फंदे बंद करके सिलाई करना है। तो अब इसको हम बनाना सीखते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली हुई है और कपड़े से मैंने ये देखिए 1-1 इंच की पट्टी निकाल रखी है चुन्नी से। आप इसे साड़ी, आपके पास कोई ऊन हो या कपड़ा हो, जिस चुन्नी जो भी हो आप उससे बना सकते हो। जो पायदान बनाते हो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, उनसे आप इसको मल्टी कलर में बना सकते हो। ये देखिए, हमने ये नॉट लगा लिया है, फिर इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा डालना है। तो एक नॉट से फंदा हो गया और 14 फंदे हम इसमें और डाल लेंगे। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए इसमें हमने 15 फंदे हमने इसमें डाल लिए। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 1 15। अब दूसरे कलर की पट्टी से भी ऐसे इसमें फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, इससे भी एक नॉट लगाएंगे और इसमें 15 फंदे इससे भी डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फंदे डाल लिए हैं, 15 फंदा ये है और 15 ये है। सबसे पहले ये पूरी सिलाई हम बना लेंगे। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। अब ये देखिए, दोनों ये अलग अलग हो गए हैं, तीन को आपस में कैसे ज्वाइंट करना है ये देखिए। इस पट्टी को आगे को लेंगे, इसको नीचे से इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरा कर लेना है। ये देखिए, पूरी सिलाई मैंने बना ली है। अब इधर सीधे साइड से भी हमें अभी कुछ नहीं करना है, कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है। सीधे साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड किए सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा बुनते जाएंगे। देखिए अब कितना आराम से बन रहा है। अब इस साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। डिजाइन उल्टे साइड से बनानी है, सीधे साइड से नहीं बनानी है। देखिए, इस पट्टी को पीछे को करेंगे, इसको क्रॉस कराते हुए आगे को लेंगे। देखिए, दोनों साइड से हमने एक एक सिलाई बना ली है। देखिए, अब यहां से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। एक एक सिलाई हमने बना ली है, इसको बनाने के बाद अब डिजाइन बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे। अभी पट्टी को हम अपने साइड को नहीं करेंगे। ये देखिए, अगर कपड़ा फाड़ते हैं तो उसमें रेसे निकल जाते हैं, तो उसको बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेते हैं, तो ये रेसे दिखाई नहीं देते। अब हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो देखिए,
एक फंदा हमने बुन लिया सीधा इस तरह से। अभी हमने इस फंदे को देखे उतारा नहीं है, दोनों सिलाइयों के बीच में से पट्टी को अपने साइड को ले लिया। अब फिर इसमें एक फंदा और बना लेंगे, देखिए तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। बाकी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को आगे ऊपर लेंगे, इसको नीचे से इस तरह से ऊपर ले आएंगे, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 फंदा हमने बना लिया। नीचे से 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। देखिए इसे ऐसे क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे, बाकी ऊपर तक सभी फंदों को अब इस कलर से बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर देखिए क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, अभी पट्टी को अपने साइड नहीं करेंगे, यहाँ पे इसमें एक फंदा बुन लेंगे। अभी हमने इस फंदे को उतारा नहीं है, देखिए दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को अपने साइड को कर लेंगे। ये देखिए एक फंदा इसमें और बुन लेंगे, तो देखिए पहले एक फंदा बढ़ रहा था, इस बार एक फंदा और बढ़ गया। बाकी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते जाना है। देखिए अब इस पट्टी को आगे को लेंगे, अब इस पट्टी से बाकी के फंदों को बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर यहाँ पे नीचे से हमने 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। एक बार मैं और आपको बना करके बता देती हूँ। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड ऐसे अपने साइड नहीं करेंगे, अभी अभी पीछे कोई रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए एक फंदा हमने बना लिया। अब दोनों सिलाइयों के बीच से देखिए, ये दोनों सिलाई हैं, इनके बीच से हमें पट्टी को आगे को ले आना है और इसी में दूसरा फंदा हमें बना देना है। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, तो इस तरह से 1, 2 और 3 फंदा बढ़ गया। बाकी के फंदों को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते जाना है। देखिए इस पट्टी को आगे को कर लेंगे इस तरह से और इससे बनाएंगे। तो ये देखिए क्रॉस करने से ये जैसे सिलाई करते हैं वैसे यहाँ पे सिलता जाता है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखिए 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 2-2 करके जैसे 1, 2, 3, 6 फंदे छूट गए, 4 फंदे और छोड़ लेते हैं 10 फंदे तक, और यहाँ एक एक करके 5 फंदे बढ़ा लेते हैं। इतना बनाने के बाद आगे मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। फ्रेंड्स इसमें ये 30 फंदे हैं, तो इनको 3 भागों में बांटना है।
10 फंदा दो दो करके हम यहाँ छोड़ेंगे, तो एक एक करके फंदा बढ़ा लेंगे फिर, और आगे बताते हैं जो 10 फंदे होंगे उनमें क्या करना है, फिर आगे दो दो करके हमें ये पूरे फंदे छोड़ने हैं, लेकिन इन फंदों को हमें 3 भागों में बांटना है। तो इस वजह से ये 10, 20 और 30, तो अभी हम दो दो करके ये 10 फंदे छोड़ लेते हैं और यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दो दो करके हमने 10 फंदे छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 2 = 10, 10 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और एक एक करके हमने यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसमें इस कलर से हमने 15 फंदे लिए थे तो 5 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, अभी तक क्या किया था हमने, एक एक फंदे यहाँ से बढ़ाया था, अब हमें यहाँ पे कोई फंदे नहीं बढ़ाना है। देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 फंदा हमने पूरा 20 फंदा बना लिया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर से जो फंदे हम बढ़ा रहे थे वो फंदे बढ़ाएंगे नहीं ऊपर से, सिर्फ ऐसे सीधा ही बुनते जाना है। लेकिन अब ये 20 फंदे बनाने के बाद ये देखिए 1, 2, 3, 3 फंदा हमने बना लिया। तो ये 20 फंदा ये था, क्योंकि इसमें 5 फंदा बढ़ गया है तो इस वजह से 5 बढ़ा हुआ हो गया, और 15 ये और 5 फंदा ये यहाँ पे बढ़ा बचा हुआ था, तो ये टोटल जो है 25 फंदा, 5 फंदा बढ़ा हुआ लेकर के ये 25 फंदा बचा हुआ था। तो अब फिर इसमें से 2 फंदे यहाँ पे हम छोड़ देंगे, नीचे से जैसे दो दो करके हम फंदे छोड़ते जा रहे थे हमें नीचे से वैसे ही फंदे छोड़ना है, सिर्फ ऊपर से जो ये फंदे बढ़ा रहे थे अब यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, ऊपर सिर्फ ऐसे सीधा सीधा बुनना है। और जैसे हमने ये दो दो करके ये 10 फंदे छोड़े हैं, अब फिर दो दो करके ये 10 फंदे वैसे ही हम छोड़ेंगे। तो देखिए अब यहीं से पलट जाएंगे, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है जो जिस कलर की पट्टी से बना हुआ है। ये देखिए जैसे देखिए हमने इसमें भी बनाया हुआ है, इसमें फ्रेंड्स मैं सॉरी भूल करके बता दिया था कि ये 20 फंदे से, ये 20 फंदे से नहीं 24 फंदे से बना हुआ है। तो इसमें भी हमने देखिए 8, 8, 16, 8, 3, 24, 3 भागों में फंदों को बांट दिया है, 8 फंदा यहाँ नीचे, फिर 4 फंदा ये, 4 फंदा ये, 8 फंदा इसको लेते हैं, फिर 8 फंदा ये ऊपर। तो ये 8 फंदों में तो हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया, फिर बीच के ये जो 8 फंदे होते हैं उनमें सीधा ऐसे बना दिया, फिर ऊपर के जो 8 फंदे हैं तो जो ये फंदे बढ़े होते हैं वैसे ही यहाँ पे ये फंदे घटा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी फंदे होंगे उनको 3 भागों में बांटना होता, अगर 20 फंदा होगा तो वो 3 भागों में नहीं बटेगा, तो इस वजह से हमने इसमें 24 फंदे लिए हैं। तो इसी तरह से आप, अब जैसे हमने इसमें 30 फंदे लिए हैं तो 10-10 करके ये फंदे 10, 20 और 30 3 भागों में बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आपको उतने ही फंदे लिखने हैं, जैसे 12, 12, 24 बांटते हैं 36, इसमें 12, 12 फंदे 3 बार आप 3 भागों में बढ़ जाएंगे तो आप 36 फंदे ले सकते हो। तो इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि इन फंदों को 3 भागों में बांटना है, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप उसी तरह से बना सकते हो, जैसे 14, 14 फंदे 3 भागों में बांट सकते हो आप, 16, 16, 18, 20, 20 कर सकते हो, 20, 20, 40, 20, 30, 60 फंदे से भी बना सकते हो, तो आप इसी तरह से कितना जितना बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। ये देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है, उल्टे साइड से देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पहले यहाँ पे हम फंदा बढ़ा रहे थे अब कोई फंदा हम बढ़ा नहीं रहे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस पट्टी को आगे को लेंगे, अब एक फंदा हमने बना लिया, 2 फंदा यहाँ पे और छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेते हैं।
देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड किया, देखिए बाकी फंदों को इसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। देखिए हमें फंदे जोड़े के साथ छोड़ने हैं, तो इस कलर से सिर्फ एक फंदा बचा हुआ है, तो एक इस कलर से, तो दोनों का हम जोड़ा बना करके इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए एक फंदा हमने इस कलर से छोड़ा, एक और इस कलर का है, तो इससे दोनों से हमने जोड़ा बना लिया, क्योंकि हमें फंदे जोड़े के साथ ही छोड़ने हैं। तो इसी तरह से मैं ये 10 फंदे इनको भी छोड़ लेती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 10 फंदा ये छोड़ा, 1 2 3 6 फंदे ये छोड़ लिए, 4 फंदे और छोड़ लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दो दो करके 20 फंदे छोड़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 20 फंदे हमने छोड़ लिए। अब 10 फंदा और रह गया है, तो देखिए पहले हमने 10 फंदे में एक एक करके फंदे बढ़ाए 5, फिर 10 फंदे हमने जब छोड़े तो उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया, इसको सीधा बनाया। अब जैसे हमने एक एक करके फंदे बढ़ाए हैं, वैसे ही हमें एक एक करके फंदा घटाना है। तो देखिए पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया, ये देखिए 1 और 2 दो फंदे को एक साथ लिया, इसको बना दिया, एक फंदा बच गया, बाकी के फंदों को इसी तरह से बुन लेंगे। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दो फंदा यहाँ पे हमने छोड़ दिया, 10 फंदा इसमें का बचा हुआ था और 5 फंदा बढ़ा, 15 फंदा था, तो एक फंदा यहाँ घटा दिया, दो फंदा यहाँ छोड़ दिया, तो इसमें ये देखिए 3 फंदा छूट गया, तो 12 फंदा हमने बना लिया। यहीं से पलट जाएंगे, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया है, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया, फिर ये 2 का 1 करते हुए हमें फंदा घटा देना है। देखिए ये 2 फंदा है, 1 और ये 2 दोनों को एक साथ बना दिया, तो एक फंदा पहले घटा था, एक फंदा देखिए एक फंदा ये घट गया, तो इस तरह से 2 फंदे घट गए, 3 4 5 6 7 8 9 देखिए 12 फंदा था, तो 2 फंदा यहाँ छूट गया, एक फंदा यहाँ घट गया, तो 9 फंदा हमने बना लिया। हर बार 3-3 फंदा इसमें कम होता जाएगा, तो इसी तरह से 2-2 करके ये सभी फंदे छोड़ लेते हैं, और यहाँ पे जैसे 2 फंदा घटा है ऐसे ही घटा लेते हैं, तो आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 2-2 करके हमने सभी फंदे छोड़ लिए हैं, लास्ट में 2 फंदा छोड़ने का और 1 फंदा घटाने का रह गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 28 फंदा हमने छोड़ लिया है। देखिए इस फंदे को ऐसे बना लेंगे, अब हम पहला फंदा उतार लेंगे, और ये देखिए अभी हमें 3 फंदे हैं, 3 फंदे में से 1 फंदा घटाना है, 2 छोड़ना है, तो ये छोड़ने वाला फंदा है, तो इसी को हम इस तरह से घटा देंगे। ये देखिए ये घटा दिया, तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदा छोड़ने वाला हो गया और घटाने का सभी फंदा घट गया। देखिए और इसकी देखिए ये हार्ट की गोलाई ये बन गई है, देखिए यहाँ पे हमने फंदा घटाया, यहाँ पे ये गोलाई दिया, फिर यहाँ पे ये फंदे घटा दिए, तो ये इस तरह से इसकी गोलाई बन गई है। अब देखिए 2-2 करके हमने जितने फंदे छोड़े हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। अब ये कली पूरी बन गई है, देखिए तो देखिए 2
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। देखिए, पंद्रह फंदा ये हो गया। इस पट्टी को आगे करेंगे ऐसे, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस। देखिए, तीस फंदा जितने हमने यहाँ पे शुरू में यहाँ पे डाले थे, अब वही तीस फंदा हमारे पास आ गए हैं। अब इधर साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सीधे साइड से कुछ भी नहीं करना है, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए, आप इसका आगे का भी जैसे हमने इसमें बनाया हुआ है, आप पूरा ये दो कली एक से ही बना सकते हो, तो ये हार्ट शेप की डिजाइन बन जाएगी। ये देखिए, ऐसे इस तरह से इसमें जैसे मैंने ये दोनों ही कली एक कलर से बनाया है, लेकिन मैं इसमें आपको अलग अलग कलर से बना करके बता रही हूँ, क्योंकि ये आप ऐसे जैसे ये हमने छः कलर से बनाया हुआ है, आप चाहो तो इसको अलग अलग 12 कलर से भी बना सकते हो। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कलर से मैंने बनाया है, आप 12 कलर से बना सकते हो इसको, अलग अलग कलर से बना सकते हो। तो अब मैं आपको अलग अलग कलर से भी बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा लूँगी। देखिए, दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाना है। देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया है, और इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे, तो ये बाहर को नहीं निकलने का। देखिए, अब हमें जैसे हम यहाँ पे फंदा बढ़ा रहे थे वैसे ही फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, इस पट्टी को पीछे कर देंगे, क्योंकि मैंने इस साइड से इसको लगाया है। तो ये देखिए, एक फंदा हमने बुन लिया, अभी इस फंदे को उतारा नहीं है, दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को आगे किया, एक फंदा और इसमें बना लिया। तो देखिए, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, और इस पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। देखिए, इसको इस तरह से कट कर देंगे, और इस पट्टी के बीच में रख करके इसको रोल कर लेंगे। इस पट्टी के बीच में इसको इस तरह से रोल कर लेंगे, तो ये बाहर नहीं निकलेगी। बाकी सभी फंदों को इस तरह से बुनते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा दिया है, इस पट्टी को इस तरह से आगे ले लेंगे, इससे बाकी फंदों को बना लेंगे। देखिए, अब यहाँ नीचे से दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे हमने इसको बनाया था, नीचे से दो दो फंदा छोड़ते हुए, और 10 फंदे तक हमने एक एक करके 5 फंदा बढ़ाया, फिर बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाया, 10 दो दो करके यहाँ पे 10 फंदा और छोड़ लिया। फिर जब 10 फंदा बच गया, तो उसमें एक एक करके हमने फंदे को जो 5 से यहाँ पे बढ़े हुए हैं उनको घटा लिया है। ऐसे ही ये कली भी बनेगी। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना है उस कलर की पट्टी से ही बना लेते हैं। देखिए, सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। उल्टे साइड से देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड नहीं करेंगे, यहाँ पे फंदा हमें बढ़ाना है। ये देखिए, इस फंदे में मैंने एक फंदा बुन लिया, अब पट्टी को अपने साइड कर लेंगे दोनों सिलाइयों के बीच से। फिर देखिए, एक फंदा और बना लिया,
तो इस तरह से यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। बाकी के फंदों को इसी तरह से उल्टा बुनते जाना है। देखिए अब नीचे से यहाँ से दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सेम जैसे ये बनाया था वही तरीका है बनाने का। इसी तरह से ये पूरा पायदान बनेगा जैसे हमने ये बनाया हुआ है। जैसे ये एक कली बनती है वैसे ही ये पूरा पायदान बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में देखिए क्या करना है। देखिए दो का एक करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर देना है। देखिए दो फंदा एक साथ लिया, इसको बुन दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट इसको बंद नहीं करना है। ये देखिए एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर देना है। ये ध्यान रखना है कि जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उसी कलर की पट्टी से बंद करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब ये फंदा डाला था तो अलग अलग कलर से डाला था। ये देखिए दोनों कलर से डाला था, तो वैसे ही हमें यहाँ पे फंदों को भी दोनों ही कलर से बंद करना है। तो ये सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए सभी फंदों को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब इनको आपस में ले करके यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो इसको पलट लेते हैं। इसके लिए हमने ये देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अगर पतला धागा रहेगा तो सिलाई टूट जाएगी। ये देखिए यहाँ से जहाँ से ये जहाँ तक हमने फंदा डाला है यहाँ से हमें सिलना शुरू करना है। एक इसमें नॉट लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से आपस में लेते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। देखिए जो ये फंदा हमने डाला है और जो घटाया है दोनों को आपस में इस तरह से सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो इधर बिल्कुल भी सिलाई पता नहीं चलती है कि हमने कहाँ पे सिलाई लगाई है। देखिए इधर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।